हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाऊंगा जो कि आपको आज की इस वीडियो पर सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग में से मैक्सिमम जो है यूट्यूब क्रिएटर हैं और थंबनेल जरूर बनाते होंगे, और थंबनेल जो आप लोग बनाते हैं वो बनाते हो पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही बताया था कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन से जो है बेस्ट थंबनेल बनता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप पिक्सल लैब से थंबनेल तो बनाते हो, लेकिन पिक्सल लैब में जो फॉन्ट्स होता है, जो फॉन्ट्स का स्टाइल दिया हुआ रहता है, वो कुछ ही मात्रा में दिया हो रहा था जो कि स्टॉक उसमें दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, और उसी को आप लोग यूज करते हो, चाहे वो हिंदी टेक्स्ट लिखने में हो या फिर इंग्लिश टेक्स्ट लिखने में हो। तो अभी आप लोग देखते होंगे, आप लोग नोटिस करते हो या नहीं, मेरे जो थंबनेल्स होते हैं उनका जो हिंदी टेक्स्ट होता है, जो हिंदी फॉन्ट्स होता है, वो फॉन्ट्स आपके पिक्सल लैब में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पिक्सल लैब में मिलेगा। मेरा जो थंबनेल है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इस थंबनेल पे जो हिंदी टेक्स्ट है, जो फॉन्ट्स है, वो वाला फॉन्ट्स आपके थंबनेल वहाँ पर नहीं मिलेगा पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पे, और मेरे पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा फॉन्ट्स है। तो ये एक्स्ट्रा जो फॉन्ट्स होता है, टेक्स्ट का स्टाइल्स होता है, वो कहाँ से आया? तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो अलग अलग डिजाइन का, जो कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका जो फॉन्ट्स का स्टाइल होता है वो अलग होता है, जो आपके पिक्सल वाला एप्लीकेशन पर नहीं मिलता पिक्सल लैब पे। तो आज की इस वीडियो पे आप लोगों को यही चीज सीखने को मिलेगा। आप लोग जितना चाहो उतना फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो अपने पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पे, वो भी तुरंत एकदम क्विक, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। आप कर लोगे आपके पिक्सल लैब पे बहुत सारा जो है फॉन्ट्स आ जाएगा, और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप जितना अच्छा फॉन्ट्स लगाओगे उतना ज़्यादा वायरल होता है वीडियो, थंबनेल उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन पाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे अपने फॉन्ट्स को ऐड करना है पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी इसी तरह की जो है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, मैं अभी चलता हूँ अपने पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर अगर मैं फॉन्ट्स पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं चला, और यहाँ से मैं अगर ऑप्शन जाता हूँ फॉन्ट्स पे, तो ये देख सकते हैं ये जो बेसिक फॉन्ट्स है ये आपके पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पे पहले से दिया हुआ रहता है ये फॉन्ट्स, और ये आप लोग यूज भी करते हो अपने थंबनेल बनाने के लिए। लेकिन आपको एक्स्ट्रा फॉन्ट्स भी मेरे इसमें मिलेगा, देखिए ये मेरे एक्स्ट्रा फॉन्ट्स है जो कि आपके यहाँ पर नहीं मिलेगा एप्लीकेशन पे। ये देख सकते हो इसका डिजाइन ही कुछ और है, ये देखिए ये फॉन्ट्स आपको नहीं मिलेगा। बाकी और भी जो है एक्स्ट्रा माई फॉन्ट्स में है, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट डालता हूँ तो ये वाला फॉन्ट लगाता हूँ तो कुछ अलग दिखता है। लाइक मैं अभी आपको कुछ हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जीने, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया, ये देखिए इस तरह का टेक्स्ट आपको जो है आपके फॉन्ट्स में नहीं मिलता है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ से आप फॉन्ट्स में जा करके कैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो माई फॉन्ट्स में। तो इसको ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, आपको करना ये है कि आपको मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसका नाम है dafont.com, और इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने बहुत सारा फॉन्ट्स का स्टाइल मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने बहुत सारा फॉन्ट्स मिल रहा है, और भी है, इतने में मतलब कम नहीं है, देखिए इतना है और है। यहाँ पर आप जितना क्लिक करोगे, यहाँ देखिए चार्ट है, कार्टून के लिए अलग फॉन्ट है, कॉमिक के लिए अलग है, हॉरर के लिए अलग है। मान लीजिए आपका हॉरर ब्लॉग बना रही हो या फिर वीडियो बना रहे हो तो हॉरर पे क्लिक कर दोगे तो आपको हॉरर वाले जितने भी फॉन्ट्स होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो हॉरर टाइप का, ये देखिए, तो ये कुछ हॉरर टाइप का आपका पास फॉन्ट्स आ गया, तो आपको जो भी चाहिए वो मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अब मैं सिखाऊंगा कि इन फॉन्ट्स को जो है आप पिक्सल लैब पे कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, कि जो भी आपको फॉन्ट्स पसंद आता है उसका आप चॉइस कर लेना, यहाँ से चार्ट पे क्लिक कर करके आपको जो भी अच्छा लगे। उसके बाद आपको करना ये है कि मान लीजिए मुझे ये वाला फॉन्ट जो है ऐड करना, चाइल्ड ब्लड, ठीक है, चिल ब्लड। तो इसको करने के लिए आप साइड पे जाओगे तो आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए, तो आपको सिंपली से डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करना है, तो ये जो फोल्डर है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया, और ये डाउनलोड मेरा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको डाउनलोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर पे, अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर पे चले जाइए, और आपको वो वाला जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। क्रोम के ब्राउज़र से अगर डाउनलोड करोगे तो आपको डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। डाउनलोड फोल्डर में मैं चला गया, और ये देख सकते हैं ये वाला चीज़ मैंने जो डाउनलोड किया था चिल ब्लड, ये लिखा हुआ आ गया, और ये जिप फाइल में है। तो आपको करना क्या है कि इसके इस तरह से प्रेस करके रखना, बहुत सारा फ़ोन पे अलग अलग जो है फंक्शन होता है, आप बहुत सारा फ़ोन पे इस तरह क्लिक करके रखोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अभी जैसे मेरे फ़ोन पे नहीं मिल रहा, ये मेरा वन प्लस का फ़ोन है, ये मेरे डायरेक्ट दे देता है। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा ना, ये देखिए मैंने क्लिक किया, और ये देखिए अनजिप करने का ऑप्शन दे रहा है। तो किसी किसी फ़ोन में आप क्लिक करके रखोगे तो आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देगा, दोनों का सब बात सेम ही है, अनजिप या फिर एक्सट्रैक्ट। तो मैं अनजिप के ऊपर में क्लिक करता हूँ, अनजिप करने के बाद आपको जो है एक अनजिप टू या डिफरेंट फोल्डर के ऊपर में क्लिक करना है और ओके करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन पे एक फोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर पे इसको जो है क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं India 3 फोल्डर मेरा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना। तो आपका India 3 वाले फोल्डर पर मेरा जो है ये फॉन्ट ऐड हो गया है फॉन्ट बन करके, ठीक है। अब यहाँ पर करना कैसे है ऐड, आप देखिए ये प्रोसेस हो गया, इतना आपने सीख लिया,
ठीक है, इतना दूर। उसके बाद आपको पिक्सल लैब ऐप पे जाना है और यहाँ पर माय फॉन्ट्स के ऊपर में जाना है। माय फॉन्ट्स के ऊपर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक टी और प्लस का जो है एक सिंबल दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वो वाला फोल्डर ढूंढना है जहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट किया था, अनजिप किया था अपने फाइल को। तो यहाँ पर मैं इंडिया 3 वाला फोल्डर को मुझे ढूंढना पड़ेगा जो कि कहीं ना कहीं होगा। तो मैं देखता हूँ इंडिया 3 वाला फोल्डर कहाँ है, तो मैं नीचे चलता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंडिया 3 वाला फोल्डर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करके अब मुझे वो वाला जो है, इतने सारे फॉन्ट्स मैंने ऐड कर रखे हैं अपने पिक्सल लैब ऐप पे इसलिए इतना सारा है। तो मुझे वो वाला ढूंढना होगा जो कि चिल ब्लड के नाम से था, तो वो मैं देखता हूँ कहाँ पर है। तो ये गाइज देख सकते हो यहाँ पर है मेरा ये फोल्डर, देखिए चिल ब्लड। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड सेलेक्टेड के ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना। अब ये जो है मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो ऐड हुआ है या नहीं। ये देख सकते हो चिल ब्लड के नाम से यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसको मैं अब क्लिक करूँगा तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ हमारे फॉन्ट पे, ठीक है। तो ये इंग्लिश टेक्स्ट जब मैं कुछ लिखूंगा तो वहाँ पर ये यूज होगा, लाइक मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा मनोज, ओके कर दिया, इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करके अब जो है फॉन्ट्स में जाकर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट्स में गया और चिल ब्लड वाला माई फॉन्ट्स में जाकर के मिल जाएगा मुझे। और ये देख सकते हो यहाँ पर चिल ब्लड को ओके कर दिया, तो ये देखिए मनोज लिखा हुआ मेरा ब्लड वाला स्टाइल से आ गया है। इसको जब मैं बैकग्राउंड ब्लर कर दूंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख सकते हो बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया, अब देखिए लिखा हुआ कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो अपने थंबनेल बनाने टाइप और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है देखने में। तो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत एक अच्छा चीज़ आज की इस वीडियो पर सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।